हेलो दोस्तों, आपका ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे UPMRCL, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों दोस्तों इसमें कुछ वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें हमें 10वीं प्लस ITI आपके पास होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कोई भी करंट भर्ती अपडेट मिलेगी तो हम आपको अपडेट करा देंगे। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो का अंत तक देखें, मैं इसमें आपको सभी डिटेल बताने वाला हूँ, जैसे कब से फॉर्म अप्लाई होएगा, क्या आपके इसमें लास्ट डेट रखी गई है, कब इसका एग्ज़ाम होने वाला है, कब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाला है। दोस्तों, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। अगर आप इस फॉर्म के एलिजिबल हो तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। ठीक है दोस्तों, चलो टाइम ना वेस्ट करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन इशू हो गया था 3/13/2024। ठीक है दोस्तों, जो वेबसाइट पर आ गया था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, यानी दोस्तों जो आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होएगा वो 20/3/2024। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो आप इसमें लास्ट डेट रखी गई है वो 19/4/2023/2024 रखी गई है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, जो उसकी लास्ट डेट रखी गई है 19/4/2024, जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होएगा वो 30/4/2024 को आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 11/5/2024, 12/5/2024 और 14/5/2024 को होने वाला है। 3 दिन आप इसी एग्ज़ाम का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। ये देखो दोस्तों, जो उसमें मेडिकल होने वाला है वो बस मैं आपको बताता हूँ, मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर इंडियन रेलवे मेडिकल मेट्रो, यानी दोस्तों जो उसमें आपका मेडिकल होने वाला है जैसे रेलवे में होता है वो इसमें मेडिकल आपका होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट कोड दे रखा है, ये पोस्ट कोड है, ये पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल। इसमें जो आपकी सैलरी आने वाली है 50,000 से 1,60,000, टोटल 11 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बी या बी टेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से। ठीक है दोस्तों, वो मिनिमम 60% आपके इसमें होने चाहिए वो। ठीक है दोस्तों, SST 50% होनी चाहिए, जो आपकी एज होनी चाहिए 21 से 28 वर्ष। ठीक है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव टेक्निकल, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें आपको बताऊँ जो मेंटेनर की पोस्ट है उसमें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये देखो दोस्तों, जो उसमें 10वीं प्लस ITI छात्र अप्लाई कर सकता है, उनके लिए 2 पोस्ट रखी गई है इसमें। ठीक है दोस्तों, बताते हैं हम आपको। देखो दोस्तों, पहली जो पोस्ट है मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल, जो उसमें आपको सैलरी मिलने वाली है 19,500 से 39,900, टोटल दोस्तों 78 पोस्ट है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, जिसमें जनरली 24 वैकेंसी रखी गई है, EWS की 13, OBC की 21, SC की 19, SC ST की 1, वुमेन की 15, ESM की 3 और DF की 1। ठीक है दोस्तों, इसकी जो क्वालिफिकेशन है, ये देखो दोस्तों, जो इसकी क्वालिफिकेशन है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो दोस्तों, क्वालिफिकेशन इसमें ITI, NCVT या SCVT इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों SC ST हो तो उनको 50% मार्क्स ओनली इसमें होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो उसकी एज लिमिट रखी है 21 से 28 वर्ष, 21 से 28 वर्ष, जो मेडिकल स्टैंडर्ड है B1 है। ठीक है दोस्तों, उसका आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों एक पोस्ट है मेंटेनेंस SNT, सिग्नल है टेलीकॉम, जो उसकी सैलरी रखी गई है 19,500 से 39,900, टोटल 26 पोस्ट रखी गई है, जनरल की 6 पोस्ट है, EWS की 5 है, OBC की 8 है, SC की 6 है, ST की 1 है, वुमेन की 5 है, ESM की 1 पोस्ट रखी गई है। जो उसकी क्वालिफिकेशन है ITI, NCVT, SCVT इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन से ट्रेड में मिनिमम 60% मार्क्स, जो SC ST कैंडिडेट है उनको ओनली 50% मार्क्स होने अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, एज लिमिट 21 से 28 वर्ष रखी गया है, जो मेडिकल स्टैंडर्ड है B1 रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पेपर के बारे में बता रहे, रिटर्न एग्ज़ाम। दोस्तों इसमें आपका CBT एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों,
इसमें जो आपका पेपर आया हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आने वाला है। टोटल दोस्तों इसमें 140 क्वेश्चन मिलेगा आपको हल करने के लिए, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपके कैटेगरी वाइज रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जो इसमें निगेटिव मार्क रखे गए 1/3 रखे गए, जो इसमें टाइम टाइम रखा गया 2 घंटे का रखा गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पर रखा गया है देखो दोस्तों। सीबीटी जो आपका होने वाला है इसमें, तो आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती, सीतापुर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बता रखा है कि ट्रेनिंग के टाइम आपको क्या सैलरी मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें आपको बताता हूँ सभी पोस्ट के लिए। ये देखो दोस्तों, पोस्ट कोड जो दोस्तों E01 से E09 तक है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट, उनको 94,400 पेमेंट मिलने वाली है 18% GST साथ। उसके बाद दोस्तों NE03 पोस्ट जो SCTO, उनको 41,300 पेमेंट मिलने वाली है। उसके बाद दोस्तों NE01 से NE02, NE04, NE05, NE06, उनको पोस्ट जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट असिस्टेंट, ऑफिसर असिस्टेंट, HRA, PR असिस्टेंट, इनको जो सैलरी मिलने वाली है 35,400। उसके बाद दोस्तों जो IT कैंडिडेट हैं उनको NE07, NE08 जो दो पोस्ट है मेंटेनेंस की, उनको 23,600 पर मंथ सैलरी मिलने वाली है ट्रेनिंग पीरियड के टाइम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इनकी जो ट्रेनिंग होने वाली है कितने दिन की होने वाली है, मैं इसमें आपको बताता हूँ। ये देखो दोस्तों, जो इसमें आपकी ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है। ठीक है दोस्तों, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपलाइड प्रोविड 2 ईयर, यानी दोस्तों इसमें जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो 2 साल की होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें छूट का प्रावधान दिया गया है एज इलेक्शन। देखो दोस्तों, अपर एज लिमिट 5 साल SC ST OBC कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश फॉर द रिज्यूम पोस्ट SC ST OBC कैंडिडेट, यानी दोस्तों जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है उनको SC ST को 5 साल की छूट मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों एक्स सर्विस मैन को 3 साल की, देखो। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों जो एज काउंट होने वाली है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ UPMRC के रूल के अकाउंट एज में होने वाली है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों उसमें फीस क्या लगने वाली है दोस्तों, जनरल EWS OBC को 1180 रुपये फीस लगने वाली है, GST 18%। उसके बाद दोस्तों SC ST 826 रुपये फीस लगने वाली है, GST 18%। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप इसको फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैं इसमें बताता हूँ आपको। देखो दोस्तों, हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट आर विल बी अप्लाई ऑनलाइन वेबसाइट UPMetroRail.com ओनली। ठीक है दोस्तों, आप क्राउन या ब्राउजर में सर्च कर सकते हैं UPMetroRail। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप करें करियर पर जाए, करियर पर आप क्लिक करें, ऑप्शन को खोल लें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको सभी बता दी है दोस्तों। अगर आप वीडियो को अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, कोई भी गवर्नमेंट भर्ती अपडेट मिलेगी तो हम आपको अपडेट करा देंगे। थैंक यू दोस्तों।